नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, उसी को लेकर छोटे छोटे बच्चे गणेश प्रतिमाओं को लेने अपने घर पर स्थापित करने के लिए अपने परिवार के साथ पहुँचे। गणेश प्रतिमा के बीच में बैठ कर बच्चों के साथ ली गई सेल्फी। वहीं तस्वीर में कुछ इस तरह नन्हे मुन्हे बालक के चेहरे में हंसते खेलते मुस्कुराहट देखने को मिली। देश भर में गणेश चतुर्थी का आयोजन बड़ी धूमधाम से आगामी शुक्रवार से शुरू हो गया, जिसको लेकर लोग जगह जगह गणेश प्रतिमाओं को खरीदने के लिए मूर्ति बाजारों में पहुंच रहे हैं, जहां तरह तरह की गणेश प्रतिमा है भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रही हैं। इस दौरान एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जहां धर्म को दरकिनार करते हुए मुस्लिम समाज की दो महिलाएं भी गणेश प्रतिमाओं को लेने बाजारों में पहुंची। इस दौरान सभी लोग गणेश प्रतिमाओं को लेने के लिए बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंचते हुए नजर आए। इस बार के गणेश पूजा के पर्व में सबसे खास बात यह रही कि गणेश जी की प्रतिमाओं में अलग अलग आकर्षण का केंद्र है, जिसमें कुछ में तो भगवान गजानन संघ पर सवार थे, तो कुछ में सिंहासन पर, तो किसी न किसी मूर्ति में भगवान गणेश ट्रैक्टर पर भी सवार नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रतिमा लेने आए लोगों ने बताया कि वह हर वर्ष पूरे विधि विधान से विघ्न विनाशक गजानन महाराज की प्रतिमा को अपने घरों में स्थापित करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। वही उनका कहना है कि भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वो हम पूछे का नाम रोल। क्या नाम है? तपस्या नाम। कहाँ रहती हैं आप? चितवई नगर के रहने। आज आप कहाँ पे आई हैं? हम यहाँ साकेत नगर में आए हैं मूर्तियाँ गणपति जी की लेने। कल गणपति स्थापना दिवस है, पिछले साल से इस साल किस तरीके से आप लोग? पिछले साल तो पूजन ही नहीं हो पाया था, लॉकडाउन ही चल रहा था, तो हम गणपति का पूजन ही नहीं कर पाए। इस बार तो यही कोशिश रही कि तो पूरे हर्षोल्लास से भगवान की पूजा की जाए। इस बार जो मूर्ति स्थापना है, कितनी बड़ी मूर्ति लेकर के आपकी लाइन बनाई गई है? कितनी बड़ी? 3 फीट की मूर्ति से ऊपर की, मतलब 3 फीट मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा ऊपर की मूर्ति नहीं। आप बताइए, जो पिछले साल सब लोग उल्लास के साथ टेंट के साथ लगाते थे, टेंट लगाते थे, अब बिल्कुल अगर कोरोना दोबारा नहीं आया, बाबा की मर्जी हुई, तो बिल्कुल उसी हर्षोल्लास से सब कुछ होएगा वापस। अच्छा, बाबा जब विदा किया जाता है उसका एक नारा होता है, वो कौन सा नारा है? गणपति बप्पा मोरिया अगली बरस तू लौकरिया। तो क्या लगता है कि बाबा आपके बाद दोबारा से कोरोना जाते ही नहीं? कोरोना क्यों लाएंगे, वो खुद आएंगे अकेले और भगवान हमेशा हमारे साथ है। और ये तो एक तरह का उनको दर्शन देना, उनके आगे पूजा करने का तरीका है। क्या नाम है, कहाँ पर रहते, कितने सालों से? भाई साहब, ये हमारे मित्र हैं, ये जो है 5 साल से लगातार गणेश पूजन कर रहे हैं अपने घर में, जो है बहुत धूमधाम से करते हैं, हम सब लोग शामिल होते हैं। अच्छा, तो कोरोना काल से लगातार से इसी तरीके से लगातार कोरोना के भैया इधर इस बार किस तरीके से आप लोग गाइडलाइन का पालन करेंगे और लाट के साथ? नहीं, पालन तो देखिए करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो है सभी कोरोना काल में काफ़ी प्रभावित हुए हैं कोरोना काल से, कई रिश्तेदारों के कई जो है, लेकिन अब गणेश जी अपनी जगह पे हैं तो सब देखते हुए उस तरह से किया जाएगा अपना। नहीं, मूर्ति तो देखिए हर साल थोड़ी थोड़ी करके बढ़ ही रखते हैं हम लोग, लेकिन इस बार क्या है कि कोरोना काल में जो भीड़ थी उसको थोड़ा अपने दायरे में लाएंगे। ऊंचाई पर भी कोई रोक लगाई? 5 फीट की मूर्ति। हाँ, 5 फीट की मूर्ति पर ऊंचाई लगाई? ये नहीं, जो देखिए अब मूर्ति पे जो ऊंचाई ऊंचाई का सवाल है तो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम लोग जो घर के अंदर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, घर बड़ा होने के कारण जो घर बरामदे में रख रहे हैं, कि जैसे मित्रों ने कहा कि नहीं रोड पे रखिए, तो कोरोना को देखते हुए हम लोग जो है।